फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको केसर पिस्ता मलाई कुल्फी कैसे बनाई जाती है वो बनाना सिखाऊंगी, जिसमें मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है और 4 टेबलस्पून मैंने चीनी ली है और ये मैंने इसका दूध पाउडर लिया है, मिल्क पाउडर एवरीडे का, आप कोई भी और ले सकते हैं। ये पिस्ता है, काजू, बादाम और ये केसर, और इसके लिए ये आइसक्रीम मोल्ड, इस चीज को बनाने के लिए हमें ये सब चीजें चाहिए। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं अपनी केसर पिस्ता मलाई कुल्फी। फ्रेंड्स, अब ये देखिए, मैं इसमें ये अपना दूध, जो 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया था, वो मैं इसमें डालकर इसको आधा होने तक पकाऊंगी। पहले तो अब देखिए, हम इसको गैस पर रखेंगे और इसको हमें रेगुलर चलाना है, नहीं तो ये दूध हमारा लग सकता है। अभी इसमें एक खद्दा आने दीजिए, उसके बाद इसको हम अपनी गैस को बिल्कुल मीडियम कर लेंगे, लो कर लेंगे और फिर हम इसको चर्न करते रहेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा, यहीं पर शुरुआत में ही थोड़ा सा इसमें केसर डाल देंगे ताकि इसमें केसर का हमारा रंग आ जाए। ये अभी इसको मुझे चलाते हुए 10 मिनट हो गए हैं, अभी इसको आधा होने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा, इतने हम इसको ऐसे चर्न करते रहेंगे। और ये देखिए, इसके कढ़ाई के ये जो चारों तरफ ये जो लगा हुआ है दूध, आप इसको भी हटाते रहिए। अब देखिए, ये हमारा दूध लगभग आधा होने वाला है। ये अब देखिए, इसमें ये मैंने इसमें 30 ग्राम मैंने अब क्या डाल रही हूं, मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूं। अब इसको डालेंगे और इसको थोड़ा सा चला देंगे, इसको हमें चलाते रहना है, नहीं तो इसमें गुठलियां पड़ जाएंगी। अब देखिए, ये जो मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे, पिस्ता, बादाम और काजू, ये मैंने क्रश कर लिए हैं, अब ये भी मैं इन सब में डाल दूंगी इस तरह से। फिर इसको चला रहे हैं हम, ये देखिए, फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें 3 टेबलस्पून मैंने चीनी ली है, क्योंकि मिल्क पाउडर में वैसे भी बहुत मीठा होता है, इसलिए मैंने यहां पर इसमें तीन बड़े चम्मच मैंने इसमें शुगर का ऐड किया है। अब हमें इसको 10 मिनट के लिए और चलाना है। अब देखिए, ये हमारा दूध जो है वो पूरा पककर तैयार हो गया है। ये अब हमारी ये रबड़ी तैयार हो गई है कुल्फी की, अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, फिर हम इसको आइसक्रीम मोल्ड्स के अंदर डाल देंगे। फ्रेंड्स, अब ये जो हमने बनाया था, इसको पहले मैं एक गिलास में कर रही हूं ताकि ये आराम से मोल्ड्स में चला जाए इस तरह से। अभी देखिए, इन मोल्ड्स में ये हम डाल देंगे। अब ये थोड़ा सा मेरा और बच गया था, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब देखिए, ये इसमें और डाल दूंगी मैं इस तरह से। और अब इन मोल्ड्स को इसकी कैप लगा देंगे हम, और ये हमें ऐसे ही रखने हैं। फ्रेंड्स, देखिए, अब ये मैंने इसमें डाल दिए, पूरे सेट हो गए हैं ये। अब हम इसको फ्रीजर में कम से कम 6 घंटे सेट होने के लिए रखेंगे। अगर हम इसको ओवरनाइट रखेंगे तो ये और भी अच्छी हमारी आइसक्रीम बनकर निकल कर आएगी, लेकिन अब मैं इसको सेट होने के लिए इसको रेफ्रिजरेटर में रखूंगी, फ्रीजर में रखूंगी। अभी देखिए, मैंने फ्रीजर में इसको रखा था 6 घंटे के लिए। ये देखिए, अब मैं इसको निकालूंगी। अब देखिए, इसको थोड़ा सा पहले पानी में हमने थोड़ा सा रखा है इसको, ताकि आराम से निकल जाए। अभी देखिए, मैं इसको निकाल रही हूं, ये देखिए इस तरह से, ये हमारी आइसक्रीम कुल्फी ये हमारी निकल चुकी है। ये देखिए कितनी टेस्टी और
कितनी देखिए इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब हमें नजर आ रहे हैं। आप इसको प्लीज अपने घर में एक बार जरूर बनाएं, एक बार जरूर इसको ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये कुल्फी बनाई पसंद आए प्लीज कमेंट करें, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।